जागे पाई सो उपाओ मैं करूं बखान। सोता मन कस जागे पाई सो उपाओ मैं करूं बखान। ये बाणी स्वामी जी महाराज दी है। हजूर स्वामी जी महाराज मन दे बारे फरमा रहे है कि साडा मन सुता है, इहदे जगाण वास्ते गुरु साहब जी फरमा रहे है कि मैं की उपाउ करां, किस तरीके नाल मैं इसनू जगावां। तमाम दुनिया जो कर्म कर रही है उस कर्म दे नाल असी चाहुंदे हां कि साडा मन जाग जाए, होशियार हो जाए, अपने घर पहुँच जाए। ये भी अपने घर तों बाहर निकलिया है, ये ब्रह्म दी अंश है, ये छोटी जी ताकत नहीं, ये भी अपने घर चो बाहर है, इसने भी अपने घर पहुँचना है। तो किस तरीके नाल सुरत की मदद इत लैनी है, ये सुरत ने मदद इसकी लैनी, तद अपने घर पहुँचना है। हुण गुरु साहब जी फरमा रहे है कि मन सुता है, मैं किहड़ा उपाउ करा, किस तरीके नाल जगावा। अगे फरमाउंदे है, हाँ जी, सोता मन कस जागे पाई सो उपाय मैं करूं बखान। तीर्थ करे बरत भी राखे विद्या पढ़ के हुए सुजान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि असी इस मन नूं जगाण वास्ते तीर्थ भी करदे हां, वर्त भी करदे हां और विद्वान भी हो जांदे हां, लेकिन ये मन जागदा नहीं। असी जो काम करदे हां उहदे विच असी हंकारी हो जांदे हां। विद्वान दे बारे गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि वेदिया पढ़ के हंकारी हो जांदे है, चार वेद पढ़ ले, छे शास्त्र पढ़ ले, नौ विक्रम पढ़ ले, सताई सिमृतियां पढ़ ली, पुराण 18 पुराण पढ़ ले, इसने सब कुछ पढ़ लिया और सारियां बोलियां सीख गया। इसनों चंडूल पैंछी की मिसाल दे के गुरु साहब जी फरमाते हैं कि चंडूल पैंछी की तरह हो गया। चंडूल पैंछी एक बड़े बड़े जंगलों के विच रहिंदे है, हर एक बोली वो जानते हैं, जदों कोई उन्होंने पास आता है उसनों खा जाते हैं। पशु की बोली होवे, परिंदे की बोली, जो परिंदे ने कोल आना है उन्हों खा जाना, बंदे की बोली बोली, बंदा कोल आया बंदे नू खा गया। सो साहब विद्वान जेड़े बड़े बड़े उन्हां दे बारे गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि विद्या भी पढ़ के सुजान होए लेकिन मन नहीं जाग गया, मन हंकारी रहा, सुता रहा, ये कोई समझ नहीं आई। असी इहनू जगाण वास्ते सारे कर्म करते हैं, साढ़े कर्म सब फेल हो जाते हैं। हाँ जी,
तीर्थ करे बरत भी राखे विद्या पढ़ के सुजान जप तप संजम बहु विद तारे मोनी हुए नदान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है के जप तप कीते और मौन रख ले लोकां नू दसन वास्ते। तपस्या दे बारे हजूर फरमाउंदे हुंदे सी कि उन्हां कोलों ग्रीसी लोग जिहड़े है वह चंगे है। तपस्सी ने पंज धूणियां बाहर ला लईआं, पंज अंदर उस दे काम क्रोध दीआं लगीआं, दस हो गईआं। ग्रिस्ती बंदे दे लगियां होणगी ते पंज लगियां होणगियां, दस ते नहीं लगियां होणगियां। फिर जिन्हां दा बालन लिया उन्हां दे देणदार बन गए, जिन्हां दा खाणा खाधा उन्हां दे देणदार बन गए। ग्रिस्ती बंदा जिहड़ा वह किसे दा देणदार ते नहीं बनेगा, अपनी मेहनत करेगा, मेहनत विच्चों कुछ वो दान पुण भी करदा है, किसे गरीब गुरबे दा भला करदा है। तपस्सी कोलों हजूर फरमाउंदे हुंदे सी कि ग्रिस्सी लोग चंगे है। असी तपस्या करके और मौन रख के अपने इस मन नूं जगाण दी कोशिश करदे हां, लेकिन ये जागदा नहीं। मौन दे बारे असी हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी कि जिहड़े साधु मौन रख लैंदे है इको बार फिर बोलना शुरू कर देंगे। मौन भी कर्म कर जाता है, हाथ जड़ा हाथ कर्म कर जाता, अखा काम कर जांदियां। पूरन दे हाथ किस तरह वड्डे गए, पूरन दी साखी है कि पिछले जन्म दे विच ओह महात्मा मौन रखिया सी, बैठा सी, उदे पास कोई कसाई गाय लैके आया, लागे बन गया, अपने हथियार तेज करन वास्ते पिंड चला गया। गाय ने रस्सा हौली हौली चबदिया चबदिया रस्सा टुट गया, गाय चला गई। जदों आया पूछया के महात्मा नूं, महात्मा मैं तेरे पास गाय बन गया ही, किधर गई है मेरी गाय? तू बोलता नहीं, उच्चे निवें लफ्ज उसनू कहे, सिर्फ उसने उंगल की वे इधर गई है। उधर कसाई चला गया, गाय लभ गई। उसने मार टुक के उहदी खलड़ी भी ला दिती। उहदी रूह जिहड़ी सी उह रूह एक राजे दे घर जाके लड़की पैदा हुई, लड़की पैदा हुई। उधर जिहड़ी गाय सी वह लड़की पैदा हुई, जिहड़ा साधु सी वह पूरन पैदा होया। पूरन सलवान दे घर पैदा हो गया, लड़की एक राजे दे घर पैदा हो गई। वो गाय दी रूह जड़ी सी, राजे ने जोशी सद के पूछया कि मेरी लड़की जड़ी है ये की काम करेगी। उन्हें जोश ला के दसिया, राजा इसनू मार दे जां जल प्रवाह कर दे, ये बड़ी हो के तेरा नाम बदनाम करेगी। राजे ने एक ट्रिंक बनाया, उहदे विच लड़की पाई, सब उहदे गहने गट्टे पा ले, लीड़ा कपड़ा विच पा दिता, दरिया च रोड़ दिती। पीपा भगत किते शनान करदा सी, उस नूं ट्रिंक लभ गया। वो ट्रिंक लभ गया, घर लै गया, उहदे घर लादनी सी,
जदों उन्हें खोलिया वो लड़की बिच बहुत खूबसूरत जीवंदी सी। बड़े खुश होए कि चलो परमात्मा ने सानू इस तरह तो नहीं दिती लाल, सानू इस तरह मिल गई है। उन्हें सेवा की, लड़की नौजवान हुई, किते सलवान बाहर गया सी घोड़े ते चढ़िया, खूह ते सहेलियां दे नाल पानी कढ़दी सी। सलवान ने पानी मंगिया, उसने पानी दिता नहीं पीन वास्ते। सलवान ने पूछा कि लड़की किहदी है, किसी ने दसिया कि पीपे भगत दी। उन्हें पीपे नू सद्या कि लड़की दा साग दे दे। उन्हें कहा जी ठीक है, मैं गरीब हाँ, जे तुसी पातशाह साग लेना चाहते ले लो। मतलब की कि शादी हो गई, वो लूणा बन गई, उधर पूरन बन गया। हुण देखो कर्म किस तरह भुगतदा है। जदों पूरन पैदा होया तद उन्हें जोशी सदे कि की काम करेगा, तो जोशियों ने कहा कि इनू 12 साल दे मुख ना लगी, इनू भोरे च पा दे। 12 साल पूरन भोरे च रहा। उसके बाद जदों बाहर आया तो राजे ने उन्हूं सद के किया कि जा अपनियां माता नाल मिला, एक तेरी लूणा माता, एक तेरी अशरा माता है। जदों मिलन गया वो लूणा जड़ी सी, उते उन्हें बदला लेना ही लेना सी। उदे ते बेईमान हो गए, लेकिन पूरन जड़ा सी अपने सत विच रहा। बाहर आ गया, पातशाह नाल कई उसने दर्शन किए, उहदियां शिकायतां लाइया, उहदे हाथ पैर वढ़न दा पातशाह ने इरादा बना लिया कि सवेरे मैं सद के उहदे हाथ पैर वढ़ा देंगा। हाथ पैर सिर्फ उंगल कीती उसने उस पासे, उंगल दा कर्म जिहड़ा सी वो भुगतना पिया। हाथ पैर वढ़ के खूह च सुट दिता। भाई कर्म जिहड़ा है वो तो हाथ भी करता है, पैर भी करता है, अखां भी करदियां ने, मूँह भी करता है। मूँह नाल किसी नूं मंदा बोलांगे वो भी साडा कर्म बन जाता। कर्म तो भुगतना पैंदा, किसी वेले भी भुगतना पैंदा। ये ऋषियां मुनियां बड़े बड़े जिन्हां दे असी अज जिन्हां पासों मुक्तियां मंगदे आ परमात्मा कहने उन्हां नूं भी कर्म भुगतना पिया। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि मौन भी रख लिया, कर्म फिर भी बन गया। कर्म बन गया, मौन किस वास्ते रखिया? कोई कर्म ना बने, असी किसी नूं बोलीए ना मंदा ना बोलीए, चंगा बोलीए, ईश्वर वल ध्यान रखिए, लेकिन हाथ करन नाल भी कर्म बन गया। इस वास्ते शब्द व्यासी महापुरख जिहड़े आउंदे आ वह कहिंदे आ भाई तू कर्म बना ना। कर्म तेरे पैर भी बना सकदे, हाथ भी बना सकदे, तेरियां अखां भी बना सकदियां, कन्न भी बना सकदे। कन्नां नाल असी किसी की गल गलत सुणांगे, देखिया असी कुछ नहीं उहदा झगड़ा कर लैंदे आ, उहदे विच ही साडा कर्म बन जांदा है। बोलण विच साडा कर्म बन जांदा। जिहड़े शब्द व्यासी महापुरख ने वो कहिंदे आ तू कुछ भी ना कहो, कुछ भी नहीं कहना चाहिदा तैनू, तैनू ते बुरे दा जिस तरह क्या है। बाबे फरीद ने कहा फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना डाए, देई रोग ना लग सी, पल्ले सब कुछ पाए। बाबा फरीद जी कहिंदे है फरीद जे कोई अगे बुरा तो उहदा भला कर, तू अपने मन च गुस्सा ना करें, तेरी देई नूं रोग नहीं लगेगा,
तेरे पल्ले सब कुछ रहेगा। जड़ा अगला तेरे नाल गुस्सा करेगा वो दे पल्ले कुछ नहीं रहना, तेरे पल्ले सब कुछ रहेगा। इस वास्ते फरीद की बाणी बड़ी ला तड़क है, उन्होंने बड़ी करड़ी सेवा की है। जिनी कु सेवा जने तपस्या की है इन्नी शायद किसे की हो या नहीं। जंगलों में रह गए पत्ते खोर खा के मंदे हाल, जंगलों च रहना पत्ते खोर खाने किस तरह सेवा जने तपस्या की। सो संत महापुरख जेडे शब्द व्यासी महापुरख ने वो सानू यही समझाते हैं कि भाई जिन्हां चीज़ां दे नाल तू मन नू जगाने की कोशिश करता है इन्हां नाल असी हंकारी हो जाने हैं, तपस्या करके हंकारी हो जाते हैं, तीर्थ करके हंकारी हो जाते हैं, साढ़े च माण आ जाता है, कोई सेवा करके किसी की असी माण कर लेंगे हैं, साड़ा मन फिर उस तरह रहिंदा है। हाँ जी, जप तप संजम बहु बिद तारे मोनी हुए नदान, अस उपाओ हम बहुत तक कीने, तो भी ये मन जगानायान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि असी सारे पाव कीते है लेकिन साड़ा मन जागया नहीं। ये जो भी कर्म करने सी असी कीते है लेकिन मन जागया नहीं, मन नूं सौं और जंगाल चढ़ते रहे, हंकारी होंदा रहा, मानी होंदा रहा, मैं तपस्या की है या मैं विद्वान बन गया या मैं मौन रख लिया, ये होर मान हंकार दे विच आना शुरू हो गया। हाँ जी, अस उपाओ हम बहुत तक कीने, तो भी ये मन जगानायान। खोजत खोजत सतगुर पाए, उन ये जुगत कही परमान। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं कि खोजत खोजत सतगुर पाए, खोज करदा करदा हजूर कई बार फरमाते होंगे ही गुरु दत्त ने 24 गुरु धारे, खोज करदे रहे जिले 24वें गुरु मिलिया, पांच नाम का ब्यासी, फिर उसने सारियां नूं प्रणाम कीती, सारियां दा सत्कार कीता कि मैनू आज पूरा गुरु मिलिया, हूँ मैनू पूरा गुरु मिलिया, मैं सारिया का सत्कार करता हाँ। इस वास्ते जदों भी जीव खोज करेगा इस नू जरूर मिल जाएगा, लेकिन असी खोज तो बड़े दूरे रहने हैं, असी शब्द व्यासी महापुरखों की खोज नहीं करते। असी देखो देखी जिस तरह हजूर फरमाते होंगे कि एक पेड़ पहाड़ तो डिगी तो सारिया ही डिग पईआं, कि बाकी वालियां कह लिया कि असी पिछे की करना, सब पहाड़ तो डिग पईआं। सो साड़ी हालत हो जाती है। गुरु साहब जी फरमाते हैं कि खोजत खोजत सतगुर पाए, जदों शब्द व्यासी महापुरख मिलिया उसने जुगती दसी भाई इस तरीके नाल मन तो नहीं जागता, जेड़े कर्म तुसी कर रहे हो इन्हां कर्मां दे नाल मन जागदा नहीं, ये हंकारी है, सुत्ता है, मस्त होया, सौ इस नूं बल मिल लिया, इस नूं ताकत मिल रही है जेड़े असी कर्म करदे हां, उन्हां जुगती दसी है। हुण अगे गुरु साहब जी फरमाउंदे कि की जुगती दसी है। हाँ जी,
खोजत खोजत सत गुर पाए उन ये जुगत कही परमान सत संग करो संत को सेवो तन मन करो कुर्बान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, उन्होंने जुगती दसी है सत संग, किसे सत वाले दा संग करो, सत वाले दा संग करो, फिर उन्होंने अगे तुसी तन मन की कुर्बानी दे दिओ। जो भी तुहानू तरीका दसते है वो तरीके दे चलन की कोशिश करो। जिस तरह महाराज पंजवीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया बाणी दे विच कि उन्होंने सतगुर नू सिर्फ सतगुर का रुतबा नहीं दिता, उन्हें परमेशर का रुतबा दिता है। गुर परमेशर पूजिए मन तन लाए प्यार, जिन्होंने अंदर देखा है उन्होंने बाहर लिखा है कि कौन अंदर ये काम चलाने वाला, अंदर केड़ी चीज़ है। जदों अंदर महापुरख देखते हैं उन्होंने सतगुरु ही नज़र आता है। हजूर कई बार फरमाते होंगे कि अस्तूल शरीर के नाल सिख का प्यार होता है, जदों सिख सूक्ष्म शरीर में जाता है तो सतगुर भी सूक्ष्म शरीर बन जाता है, उन्होंने अंदरों नज़र उ आता है। जदों कारण शरीर भी जाता है तो सतगुर भी उस तरह उसनों नज़र आता है। जो इस तू अगे जाता है, जिस तरह पानी नाल पानी मिल गया, लाइट नाल लाइट मिल गई, उसनों फिर उस तरह ही नज़र आता है। वो सिख जिहड़ा अंदर देखता है वो बाहर फिर उस तरह कह देता है कि बगैर सतगुर के करन कारण कौन है। सारे महापुरखों ने जिन्हें जिन्हें देखा है उन्होंने बार बाणी च लिखिया है। हाँ जी, सतसंग करो संत को सेवो तन मन करो कुर्बान। भाई वो चीज़ जड़ी है, जे सिख नूं सतगुर की जरूरत है तो सतगुर नूं भी सिख की जरूरत है। जे सिख नूं सतगुर की जरूरत है तो सतगुर सिख नूं भी सतगुर की जरूरत है। कई बार अगे भी दसिया है कि राजा जनक जदों उसनूं ये ख्याल आया कि घोड़े की रकाब ते पैर रखदियां मैनूं ज्ञान होना चाहिए, सारे शहर के साधु जड़े सी उहदे राज दे विच सारियां संतां साधुआं नूं योगियां जगीशरां नूं सारियां नूं बुलाया, सारियां नूं बुलाया, कहा कि मैनूं घोड़े की रकाब ते पैर रखदियां ही ज्ञान होना चाहिए। हुण ज्ञान किसी ने लिया ही नहीं तो देना कित्थों सी, अपनी मर्जी नाल ते साधु बन गए, किसी ने भगवे कपड़े पा ले, किसी सिर मना लिया, किसी जटा रख लिया, किसी सुआह मल ली, कोई ना कोई अपना वेश बदल लिया, साधु बन गए। ना ज्ञान किसी को लिया ना दे सके, सारे चुप करके बैठे रहे। जिहड़ा संघासन साधुओं वास्ते बनाया सी बहन वास्ते उत्थे अगे कोई ना वधिया। एक अष्टावक्र उन्हां दे विच साधु सी, उठ के उस संघासन ते बैठ गया, सारे हसन लगे। अष्टावक्र जिहड़ा सी तुरदियां भी उसनों कई बल लगदे सी, डिंगा टेढ़ा शरीर सी उसदा, सारे हसन लगे कित्थों महात्मा आया जिहड़ा कि ज्ञान देण वाला, इहदा शरीर ही चंगा नहीं।
ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਧੂਓ, ਜੋਗੀਓ, ਜਗੀਸ਼ਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧ ਮੰਡਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਾਓ ਘੋੜਾ ਮੰਗਾਓ। ਤਬੇਲੇ ਜੋ ਘੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਰਾਜਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਰਕਾਬ 'ਤੇ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਰਕਾਬ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਕਾਬ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ, ਨਾ ਰਕਾਬ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਪੈਰ, ਨਾ ਤੂੰ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਰਾਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਦਰਖਤ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਛਾਈਆਂ ਚਾਰ ਚਫਕੇ, ਉਹ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤਨ, ਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਨਾ ਫੌਜਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਲਸ਼ਕਰ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਪਾਟ, ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਖੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਦੇਖੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਡਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਰਤੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਨਸ਼ਕਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਪਰ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਸ ਲਿਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਥੱਲੇ ਆਈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਾਜਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਫੜ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਸਾਂਭ, ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਵਾਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਂਭ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਨ ਮਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਦੀ? ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਕਨਸ਼ਕਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸ਼ਕਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ, ਲੋਭ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏ,
और अपने देश चला जाए। सतगुरु की जरूरत है ये तन मन की? उसे नू राज सामभ दिता, खजाने सामभ दिते, फौजा सामभ दितियां, सामभ अपना राजपाठ। इस वास्ते जो कुछ गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। हाँ जी, सत्संग करो संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान, सतगुर शब्द सुनो गगना चढ़, चेत लगाओ अपना ध्यान। संत महापुरख जेड़े शब्द व्यासी ने वो यही सानू सिक्ख्या देंदे है कि तू अपने तन मन की कुर्बानी दे, इहदा ध्यान छड़ दे, अंदर तेरे शब्द आ रहा है तू वो शब्द सुन, अपना ध्यान पूरा लगा दे। साडा ध्यान जड़ा ये तन मन धन दे विच ही रहिंदा है, उपर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? कि असी इहदा कनेक्शन तोड़दे नहीं। जदों कोई तार टुट जाती है फिर वह तार बजदी नहीं। फकीर इसका कनेक्शन तोड़ के और शब्द के नाल कनेक्शन लगा देंदे है, वो तेरे अंदर शब्द है, उसनों सुन और बड़े ध्यान दे नाल सुन। हाँ जी, सतगुर शब्द सुनो गगना चढ़, चेत लगाओ अपना ध्यान। जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जहान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि जागत जागत अब मन जाग। भाई जगदम का कम नहीं, ये हौली हौली सहजे सहजे ज्यों ज्यों भजन करता है जीव, इस दुनिया का मोह माया तो अलग होना शुरू हो जाता है, कनेक्शन टुटना शुरू हो जाता है। एक दिन का कम नहीं है। आस्ते आस्ते जिस जहान नू असी प्यारा समझते हैं, जिस दुनिया नू असी प्यारे समझते हैं, जदों असी अंदर उस शब्द के नाल साडा प्यार लगेगा तो असी इस नू कुछ भी नहीं समझना। फिर इहदा प्यार कुछ भी नहीं हैगा। उस शब्द के नाल जड़ा शब्द की लज्जत, शब्द का स्वाद जड़ा उस दुनिया का, जड़ी अगली दुनिया साड़ी जदों असी उहदे विच चल जाने हैं, उहदी ऐशो अशरत जड़ी है ये बराबर वो कुछ भी नहीं नज़र आती है। ये कुछ भी नहीं, पैसे रुपये जो पैसा भी नज़र नहीं आती। तो गुरु साहब जी बाणी च जो फरमा रहे ठीक फरमा रहे है कि जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जहान। ये जिसनों सच्चा समझा है इसनों फिर झूठा समझना शुरू कर देंगे। है भी झूठा हैगा, रहन वाली कोई सच्ची चीज़ भी नहीं, आओ जाई का सिलसिला हैगा। ये गुरु साहब जी फरमाते होंगे ही कि स्टेशन समझ लो, स्टेशन ते भीड़ बनी रहती है, कोई गड्डी आ गई कोई चला गई। दादू साहब ने इसनों पंसारी का हट फरमाया, दादू साहब ने एक पंसारी का हट किया कि पंसारी का हट है, कई सौदा लै गए कई लैन आ गए। ये संसार नू ये थिर रहन वाला नहीं है। हाँ जी, जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जहान। मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान।
स्वामी जी महाराज एक शब्द विच सुरत नूं कहा कि है सुरत तू कल्ले नहीं आना, अपने मन नूं नाल लै के आ, तू कल्ले नहीं आना। मन नूं साथ लिआउण वास्ते सुरत देखो कितनी तारीफ करदी है, हे मन मैनूं सतगुर दा हुक्म है कि मन नूं साथ लै के आ, देख मैं जुगां जुगां दी तेरी दासी हाँ, तू सब तो बड़ा है, मेरा एक कहना मन लै कि मेरे साथ चल। स्वामी जी महाराज फरमाया कि मन नूं नाल लै के आ, देखी कि कल्ली नाम है। मन की इतनी तारीफ की सुरत ने कि तू त्रिलोकी नाथ है, सब दुनिया तेरे अंडर विच है, तू बड़े तू बड़ा है, मैं भी तेरी जन्म जन्म की दासी हाँ, मेरा एक कहना मन लै कि मेरे सतगुर का हुक्म है कि मन नूं साथ लै गया। मन तारीफ दे विच आ के सुरत नाल तुरना शुरू हो गया। ब्रह्म दी अंश है मन, ब्रह्म तक जांदिआं कोई किसी नूं प्रॉब्लम नहीं आ सकती, जिसने पिछे पिछे तुरना उन्हूं कोई मुश्किल नहीं हो सकती। सुरत और मन, बाणी जी गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि दोनों ही अपने टिकाने ते पहुँच गए, उत्थे एक पड़ोल बनया है, उहदे अगे बार्डर है, वो बार्डर मन नहीं टप सकता, उत्थों सुरत सलांग मार के अपने चौथे देश भी चला जाती है, मन उसे रहिंदा हैगा। मन अपने कार विहार च फस जाता है, अपना घर देखना शुरू, जिस तरह कोई साल दो साल दे बाद कोई बाहरों मुलाजम आउंदा है अपने घर, तो अपने पशु देखता है, घर बार देखता है, खेतीबाड़ी देखता है, इस तरह मन अपने देखो देखी च लग गया, सुरत ने सलांग मारी अपने देश चला गई। फिर मन उत्थे रोना पिटना मन नूं पै गया। ये जेड़ा रोना पिटना है, उस वक्त मन ने भी अपनी छाती कुटी, मथे नूं हथ लाए रोना कि मेरे च पंजे चों सुरत निकल गई है। ये रोना उत्थों बनया है, मन भी रोया, मन भी अपने शरीर नूं कुटिया उसने। हाँ जी, मन की मदद मिली सुरत को, दोनों अपने महल समान, बिना शब्द ये मन नहीं जागे, करो चाहे कोई अनेक विधान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि बगैर शब्द ये मन जागदा नहीं, तुसी लखां ही पा कर लो, जो मर्जी कर लो, ये मन की खुराक है, जेड़े असी मन नूं जगाण वास्ते कर्म करदे हां, वरत रखदे हां, जल जां असी तीर्थ करदे हां, जग मोशे करदे हां, ये मन की खुराक है, क्योंकि असी करके अहंकारी हो जाने, माण आ जांदा साडे विच, ये मन की सारी खुराक है, इन्हां दे नाल मन कदी जाग नहीं सकता, ये मस्त होया है। हाँ जी, बिना शब्द ये मन नहीं जागे, करो चाहे कोई अनेक विधान, यही उपाओ छाट कर गाया, और उपाओ ना कर परमान। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि ये पाओ असी छाट के सब कुछ देख के
तो आ तरीका दसिया है। ऐस तरीके दे बिना मन जाग नहीं सकता, शब्द की ताकत दे बिना मन नहीं जाग सकता। भाई शब्द की कमाई करो, मेहनत करो, वो शब्द साढ़े अंदर आ रहा, उहदे विच बड़ा रस है, बड़ा स्वाद है, वो चख के देखो किस तरह का है। क्या दुनिया फिर बाबे फरीद ने जो दसिया है, खंड शक्कर नापत माख्यो माझा दुध, ये सब वस्तु मिठियां पर रब ना पूजन तुद। दुनिया दियां सारियां चीज़ां जड़ियां मिठियां दसियां ने, पर जेड़ा उस शब्द का स्वाद है उहदे नाल कोई मुकाबला नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ मुकाबला नहीं कर सकती। शब्द का स्वाद इस तो बद है, बढ़िया है। जिन्हां फकीरां ने अंदर स्वाद लिया, बेशक उन्हां नूं जेलां दे विच जाना पिया जां होर दुख सहना पए, लेकिन उन्हां उह स्वाद नहीं छड्डिया, उस स्वाद नूं छड्डिया नहीं। उन्हां दे नाल बहुत बहुत नजायज़ कम होए, तकलीफां होईयां, लेकिन उस शब्द नूं छड्डिया नहीं। उहदे विच बहुत स्वाद है, उहदे नाल ही असीं अपने घर जा सकते हैं, साड़ी मुक्ति हो सकती है, और कोई उपाओ नहीं। हाँ जी, यही उपाओ छाट कर गाया, और उपाओ ना कर परमान, बिरथा बैस बितावे अपनी, लगे ना कभी ठिकान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि जो कुछ भी तू करदा है ये सब व्यर्थ है, किसी टिकाने नहीं लगता। भाई एवें ही तेरी जिंदगी चला जाती है, जो काम करना है सो असी करते नहीं, जेड़े फजूल काम ने उन्हां दे विच साड़ी जिंदगी भुगत जाती है। बाबे फरीद ने फरमाया है, बुढ़ा होया फरीद कंबन लगी दे, सह बनिया जीवना जे तन भी हो सीखे। सह बरे जी के भी ये कर्म करके साड़ा कुछ नहीं बन सकता, ये आखिर शरीर मिट्टी च मिलना ही मिलना हैगा, पर साड़ा कम नहीं बनेगा। साड़ा कम तद बन सकता जो गुरु साहब जी फरमा रहे ने कि शब्द दे नाल तेरे कनेक्शन जुड़ना चाहिए। वो शब्द सचखंड देश चों आ रहा है और जा रहा है, जद असी उस शब्द नाल जुड़ांगे एक दिन असी जरूर अपने देश पहुँच जावांगे, असी कदे पिछे नहीं रह सकते। पर कनेक्शन जुड़ना चाहिए। मिकना तीस लोहा जेड़ा तुसी देखते हो, वो दूसरे लोहे नूं खिंच के अपने पास ले आउंदा है, पर जे उहदे विच गंढे दी चिली दा पर्दा रख दिओ तो दूसरे लोहे नूं खिंच नहीं सकदा। ये श्री गुरु रविदास महाराज ने भी फरमाया कि मैं मेरी नूं छड्ड के भजन कर, ओ मैं मेरी दा साडा पर्दा जड़ा विच जद तक ओ साफ नहीं होंदा, इन्ने चिर साडा कनशकन उस शब्द नाल नहीं जुड़दा। असी अपने आप नूं कमज़ोर कहना है, जिस तरह महाराज चौथी पातशाही ने फरमाया है कि है मेरे मालक मैं कुछ भी नहीं, लोहे की मैल दसिया है, लोहे की मैल जड़ी है वो किसे काम नहीं आती, कोई गुण नहीं साढ़े विच, असी लोहे की मैल हाँ, पर मिल सतगुर कैंचन कीजे, सतगुर दे नाल मिले असी पारस बन गए। लोहे की मैल जड़ी होंदी है
वो किसी काम नहीं आती। वो भावें जिन्ना चर मर्जी जमीन च दब दो कदें खुलदी नहीं हैगी। अपने कर्म गुरु साहब जी फरमाते है मेरे सतगुर, असी उस मनोर की तरह साढ़े च कोई गुण नहीं पर मिल सतगुर पारस की जे, कि असी सतगुर दे नाल मिले उन्हां दा कहना मन्निया तो असी पारस बन गए, कैंचन बन गए, सोना बन गए। लोहे की मैल जिहड़ी हुंदी है उहनूं मनोर किया जांदा है, वह इन्नी सख्त हो जाती है कि वह किसी काम च नहीं आ सकती। देखो संत अपने आप नूं कितना गरौंदे है, कितना कमजोर दसदे है, माण करके असी नहीं लै सकते कुछ भी, बेमाने होना पैंदा है, किसी चीज़ का भी माण नहीं करना पैंदा। ना असी देश का माण करिए, ना अपने शरीर का माण करिए, ना दौलत माया का माण करिए, ये सब नाशवान है। साडा शरीर भी की हैगा? स्वामी जी एक शब्द फरमाउंदे मन की हालत, ऐ मन तू किस चीज़ का माण करदा है, किहड़ी चीज़ तेरे साथ आई, किहड़ी चीज़ तेरे साथ जानी है। जे शरीर का माण करदा है, ये शरीर ने मिट्टी च मिल जाना और तेरी रूह आत्मा जिहड़ी है उसनू चौरासी जी जाना पैना। किहड़ी चीज़ का माण करदा है तू? फकीर माण नहीं करदे, वो माण करदे है अपने परमात्मा का, तेरे उत्ते बहु मानी है प्रभु, है मेरे मालक, मेरा माण तेरे ते है और किसी चीज़ ते माण नहीं है। हाँ जी, जिथा बैस बितावे अपनी लगे ना कभी ठिकान। गुरु साहब जी साफ कह रहे हैं कि तेरी एवें ही उम्र चला जाएगी, किसे टिकाने नहीं लगेगी, कोई फायदा नहीं जन्म का। जे मनुष्य जन्म भी लिया तो असी जो भी कर्म करते हैं अपनी मर्जी के नाल, वो साढ़े कर्म जड़े है सानू कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं उन्हां नाल मिल सकता। असी सतगुर के कहने कर्म करिए, जो सानू दसन, जो साढ़े ते जिस तरह भी सानू समझाण उस तरह ही असी कर्म करिए, फिर सानू कोई फायदा मिल सकता, नहीं तो नहीं। हाँ जी, बिरथा बैस बतावे अपनी लगे ना कभी ठिकान। संत बिना सब पटके डोले, बिना संत नहीं शब्द पहचान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, भाई संतां दे बिना सारे पटके खांदे आं, असी डोलदे रहने आं, बिना संत नहीं शब्द पछाण। संत महापुरख ही उस शब्द की पछाण करदे है और असी उन्हां दी शरण लै के उन्हां पासों असी जुगती लै के असी भी मेहनत करिए, असी भी उस शब्द की पछाण करिए कि वह की चीज़ है, किहड़ी ताकत है, किहड़ी पावर है वो परमात्मा ने बनाई हुई कि जिहदे नाल साडी कल्याण हो सकती है, वो संतां महापुरखां नूं पता है। हाँ जी, संत बिना सब पट के डोले, बिना संत नहीं शब्द पहचान। शब्द शब्द मैं शब्द ही गाऊं, तू भी सुरत लगा ले तान। देखो गुरु साहब जी सानू
किस तरीके नाल समझा रहे हैं कि मैं शब्द शब्द ही गा रहा, मैं कुछ होर नहीं कह रहा। तू भी अपनी सुरत नूं बिल्कुल तान के सुन, जिस तरह असी बाकी काम करते हैं अपने शरीर नूं बिल्कुल कैम करके, इस तरह ही असी उस शब्द नूं सुनना है। बहुत सारे लोग कई बारी अर्जा करते हैं जे असी भजन बैठते हाँ सानू नींद आ जाती। मैं सोचता भी कड़ी कई कुहाड़ी बांधदे नींद नहीं आती, रोटी खांदे नींद नहीं आती, तुरदा फिरद्या नींद नहीं आती, गड्डिया मोटर चला नींद नहीं आती, तो भजन बैठिया ही नींद आती है। वो चारा करो, तरीका सोचो, आँदी है नींद, उठ के फिर हाथ मुँह धो के फिर बैठो, तगड़े होके बैठो। आ स्वामी जी महाराज की फरमा रहे है कि मैं शब्द शब्द ही किया है, मैं होर कुछ नहीं किया। तू भी अपनी सुरत न शब्द ना ला दे, और ला दे तान के जरा चंगी तरह तगड़ा होके, कमजोरी ना दसी। जदों असी कमजोर दिल करते हैं अपने आप नू आरश विच लाने फिर असी शब्द नहीं सुन सकते। हाँ जी, शब्द शब्द मैं शब्द ही गाऊं, तू भी सुरत लगा दे तान, कर पावे चौरासी छूटे, जन्म मरण की होवे हान। गुरु साहब जी सब कुछ समझा के देखो किथे टिकाने सिर ले आया कि भाई तू अपना घर पा लेगा, चौरासी तू छुट जाएगा, अपने देश चला जाएगा, बारों बार तेनों जन्म ना लेना पेगा, बारों बार धर्म राजे दे पेश ना आना पेगा, अपने देश चला जाएगा। पर जे शब्द की कमाई करेगा तद वो शब्द नाल मेहनत करेगा, वो शब्द सुन और तगड़ा होके सुन। हाँ जी, कर पावे चौरासी छूटे, जन्म मरण की होवे हान, राधा स्वामी कहे बुझाई, बिना संत सब पट के खान। स्वामी जी महाराज शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि असी कह के समझा दिता है, बगैर संतां महापुरखां दे, बगैर उस शब्द दे सब जीव असी पढ़ के खा रहे, पढ़ के रहे हैं, कोई कोई काम कर रहा, कोई कोई कर रहा है, और विश्वास किसी नूं भी नहीं किसी काम ते। बगैर संतां महापुरखां दे असी तक्के ही खा रहे हैं। हाँ जी, राधा स्वामी कहे बुझाई, बिना संत सब फट के खान।